सवाई माधोपुर विधायक करोड़ीलाल मीणा 3 दिनों से सवाई माधोपुर में है। बुधवार को करोड़ीलाल मीणा सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे थे और अचानक कांग्रेस सांसद हरीश मीणा वहां पहुंच गए। हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद है। करोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस सांसद हरीश मीणा का स्वागत भी किया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। हरीश मीणा करोड़ीलाल मीणा की जनसुनवाई में आए और परिवारवादियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और बोले कि हम दोनों आप लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे, आमजन के काम और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने लोगों की समस्याओं को रखेंगे, समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। हरीश मीणा लोगों से बोले कि डॉक्टर करोड़ीलाल और वो खुद साथ मिलकर आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। आपसी मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपस में हंसी मजाक भी किया और इस दौरान करोड़ीलाल बोले कि हरीश मीणा उनसे बड़े हैं, तो हरीश मीणा जवाब में बोले कि नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। दोनों नेताओं ने जन सुनवाई के दौरान गड़िया लोहारों की समस्याओं को भी सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसद हरीश मीणा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा से कुछ देर बातचीत करने के बाद वापस सर्किट हाउस से निकल गए और करोड़ीलाल मीणा भी जन सुनवाई के बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए। आपसे मुलाकात को लेकर ना तो हरीश मीणा ने कोई बयान दिया, ना ही करोड़ीलाल मीणा ने कोई बयान दिया। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये तो भविष्य पर है कि इन दोनों नेताओं की ये मुलाकात क्या नया गुल खिलाएगी या फिर महज एक औपचारिक मुलाकात थी। इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले करोड़ीलाल मीणा ने हरीश मीणा के लिए कहा था कि आपने ऐसे नेता को सांसद चुन लिया है जो कभी जनता के बीच आएगा नहीं, आप लोगों ने जोनापुरिया जी को हरा दिया जो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हरीश मीणा से अगर कोई उनका फोन नंबर भी ले ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।